नमस्कार, आगाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं तबरेज़। देखते हैं क्या कुछ उरण में हो रहा है। कल शाम 4 बजे उरण फुंडा रोड पे जो छोटा सा ब्रिज था वो टूट गया। वो टूटने से एक की मौत हुई। बताया जा रहा है कि दीपक कोसे नाम का लड़का उस ब्रिज से क्रॉस हो रहा था और अचानक से वो ब्रिज टूट के नीचे गिर गया, जिसके गिरने से उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल या निशान ये है कि 100 साल के ब्रिज जो कि ब्रिटिश के वक्त दौर में बने थे वो आज भी वैसे ही खड़े, और ये 25 साल के जो बने हुए ब्रिज, ये एक महज छोटी सी बाइक जाने से, ना ही कोई बड़ी 10 टन की गाड़ी, ना ही 4 टन की गाड़ी, एक छोटी सी गाड़ी जाने के वजह आवाजाही करने की वजह से गाँव वालों के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। लेकिन वहाँ उनके आवाजाही की वजह जाने की वजह से ये ब्रिज का वजन संभाल नहीं पाया और जिसके वजह से ये आपघात हो चुका। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ब्रिज को बनाने वाला, कि ब्रिज का कोटेशन निकालने वाला, क्या महाराष्ट्र प्रशासन, या सिडको, या वो गांव वाले जो हर छोटे मोटे चीज़ों में हफ्ते वसूली का काम करते हैं? और कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम किया था तो कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ उसकी 25 साल की गारंटी दी थी या 15 साल की गारंटी थी? उसमें एक बेचारे मासूम की जान चली गई। अब इसकी भरपाई और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठाएंगी, या सिडको उठाएंगी, या लोकल प्रशासन उठाएगा? ये अहम सवाल है आगाद न्यूज़ की तरफ से।